ऐसे ऊपर से मिट्टी वगैरह और बफ करता है। बफ ऐसे ये नहीं होता, बफ दूसरा होता है, उसके ऊपर एक चीज़ लगती है इस तरह की, आगे से होता है लेकिन एक पिंक कलर की चीज़ लगती है, वो लगा के फिर वो पॉलिश होकर नहीं शाइन अंदर से आ जाती है। मेरा नाम समारा शाहिद है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में फाइन आर्ट्स लेक्चरर भी हूँ और मैं बेसिकली कैलीग्राफिक स्कल्पचर्स बनाती हूँ, कैलीग्राफिक पेंटिंग्स बनाती हूँ और वो पेंटिंग्स ब्रश और पेंट की बजाय मैं कलम और इंक से बनाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्रक है जो मैंने तकरीबन अपने एमफिल के थीसिस में बनाया था और इसके ऊपर मैंने 3 से 4 फॉन्ट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे आपको उफिक फॉन्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने नस्ता लीक में लिखा हुआ है। इसके अलावा जहाँ पे मैंने नुक्ते वगैरह लगाए हुए मैंने एज अ स्पेस फिलर यूज़ किया और कहीं कहीं पे मैंने नस्क भी लगाया है लेकिन इसमें ज़्यादातर मैंने नस्ता लीक यूज़ किया। जैसे यहाँ पे चेन्स होती है ना ट्रक के नीचे, तो मैंने चेन्स की जगह दाल 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 लिखा हुआ है और वो ऐसे लग रहा है जैसे नीचे चेन्स लटकी हुई हैं। और इसको मैंने इंक से और एक्रेलिक कलर्स से और थोड़े बहुत वाटर कलर्स भी यूज़ किए हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक मेरा एक काम था जो कि एक काइंड ऑफ लैंडस्केप था। इसमें मैंने फोटोग्राफी की और मैंने कुछ दरख्तों की पिक्चर्स ली थी बिल्कुल नीचे से, मतलब कैमरे को ऊपर की तरफ करके, और मैंने इनकी पिक्चर ली। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा कंपोज किया और ये बल्कि मेरी असाइनमेंट थी जो कि मुझे नेक्स्ट डे सबमिट करवानी थी यूनिवर्सिटी में जब मैं एमफिल कर रही थी अगेन। फिर मैंने इसमें हल्की फुल्की ड्राइंग की, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर एक एक दरख्त के पहले डिटेलिंग हो रही है, नहीं बस पेंसिल से थोड़ी सी स्केचिंग कर ली। उसके बाद मैं लिखती गई और पूरी रात काम करने के बाद मैं सुबह मतलब अपने काम से उठी और फिर मैंने इन तीनों को रखा सामने और देखा तो ये एक पूरी इमेज बन रही थी जो आपके सामने है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और लैंडस्केप है जिसमें एक खम्बा जिसे हम बोलते हैं टावर है, था थोड़ी सी तारे जा रही हैं और फिर दरख्त। और इस काम की भी खसूसियत यही है कि इसके अंदर जितनी भी इमेज बनी हुई है ये सब अल्फाज हैं, कैलीग्राफी है। आर्टिस्ट किस तरह से काम करते हैं, वो पेंट करते हैं, ब्रश से पेंट करते हैं, तो इसमें पेंट नहीं है, ये सारे अल्फाज हैं और अल्फाज मिला के जो है ना वो एक इमेज बन रही है। और उसके बाद ये एक रिक्शा है जो कि मैंने अगेन नस्तलिक फॉन्ट में बनाया था। इसमें मैंने कोशिश की थी कि मोनोक्रोमेटिक ही रहे लेकिन ग्रीन के टोन्स ऐड कर दिए और ब्लैक और ग्रे से मैंने पीछे लैंडस्केप दे दिया। इसमें अगेन यहाँ पे नस्क फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है जो नस्क पाकिस्तानी है और पीछे मैंने नस्तलिक में जो है ना वो बैकग्राउंड दे दिया। ये 3 पैनल्स पे मुश्तमिल है और तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक प्रॉपर रिक्शे की इमेज बन जाएगी। उसके बाद फिर मैं आई थी 3D कामों के ऊपर। एक ये वुड का इनकम्प्लीट काम आपके सामने है, ये बेसिकली एक नमाज वाला तख्त बनेगा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं पहले वुड के ऊपर लिखा, फिर उसकी कटिंग हुई मशीन से और उसके बाद इसके ऊपर मैं थ्रेड से लपेट रही हूँ वूल, और फिर ये एक फ्रेम के ऊपर अटैच होगा और ये एक पूरा जो है ना वो जो नमाज वाला तख्त होता है वो बन जाएगा। लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि इसमें कुछ भी अरबिक फॉन्ट है, देखने में लग रहा है कि कुछ इस्लामिक लिखा हुआ है लेकिन इसमें कुछ भी रिलीजियस कॉन्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम अल्फाज लिखे हुए हैं और इसको मैं जो है ना वो एज अ तख्त पोश प्रेजेंट करूँगी। फिर एक ये पीढ़ी चौकी जो भी आप इसको कहते हैं वो है और ये भी वुड में ही थी, तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग रहती है। और इसको अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल करने के लिए दिल बना दिए चार तरफ और अंदर नियॉन कलर्स यूज़ किए। और फिर उसके बाद ये मेरा कुछ मेटल का काम है जो कि मैं लोकल चीज़ों के थ्रू बनाती हूँ, जैसे कि कोई देगची हो गई, जैसे आपको ये एक ग्लास नज़र आ रहा है, कहने को एक बड़ा कॉमन सा ग्लास है, यूज़ करते हैं सब, हर सब देखते हैं इसको, लेकिन इसके ऊपर मैंने नुक्ते बना दिए बजाय इसके कि कुछ लिखूँ। छोटी स्पेस थी और ये नुक्तों की कॉम्पोजिशन मेरे माइंड में आ रही थी, इसको देखा जब मैंने इस ग्लास को मार्केट में देखा, फिर मैंने लिया इसके ऊपर नुक्ते बनाए
और इट्स कैलीग्राफी स्कल्पचर ना। औजार कौन कौन से हैं? टूल्स मेरे, मैं वैसे वर्कशॉप में जाके काम करती हूँ, कुछ करवाती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं फिनिशिंग वगैरह करती हूँ तो कुछ मैनुअल टूल्स ये हैं। इसके अलावा दो मशीन और हैं जिनसे मैं फिनिशिंग वगैरह करती हूँ। बाकी ये ब्रशेस हैं जो नॉर्मली पेंटिंग के या बैकग्राउंड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कुछ कलम हैं जो मैंने कुछ ख़रीदे थे, और ये वाला कलम जो है मेरे सर ने मुझे गिफ्ट किया था। इसको मुझे सर ने एज एन ऑनर है मेरे लिए, बल्कि ये तो इस सर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। 2013-14 की बात है। उसके बाद एक ये कैटल है, ये भी सोलिस फॉन्ट में है लेकिन अरबिक है अगेन, लेकिन इसमें कुछ इस्लामिक कंटेंट नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल रैंडम कैलीग्राफी रैंडम अल्फाज लिखे हैं। फिर एक ये बाल्टी है जो कि अभी प्रोसेस चल रहा है इसका, यहाँ से ये अभी ठीक होनी है, काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी इसकी रह दी है, फिर इसकी पॉलिशिंग होगी। और इस काम में किससे मुतासर होती है? इस काम में मैं शौक़ था मुझे ड्राइंग का, पेंटिंग का और कलर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तकरीबन जब मैंने फाइन आर्ट्स रखी इंटरमीडिएट में तो एज अ शौक यही रखी थी कि चलो कुछ नहीं होता, आगे मैथ्स कर लूँगी या आगे कोई और सब्जेक्ट कर लूँगी। फाइन आर्ट्स फैमिली में उससे पहले किसी ने नहीं रखी थी, पता नहीं था क्या है क्या नहीं, बस अच्छा पेंटिंग करते होंगे इस तरह रखी। तो मैथ्स साथ रखा मैंने कि चलो मैथ्स को आगे लेके जाऊँगी, मैथ्स के लिए मेरे ट्यूटर घर पर आते थे मुझे पढ़ाते थे और साथ साथ फाइन आर्ट्स चल रहा था। और जब रिज़ल्ट आया तो मैथ्स में मेरे माशाल्लाह पूरे पूरे पासिंग मार्क्स थे बोर्ड में, और फाइन आर्ट्स मेरे कोई 150 में से 140 में कुछ थे। तो तब मुझे हुआ कि घर में भी हुआ सबको कि अच्छा माशाल्लाह, मतलब बच्ची में टैलेंट है। उसके बाद फिर मैंने जब बीएस में, मेरी अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है आगे इसी को लेकर चलते हैं। BF स्टार्ट किया वहाँ पे, उसमें ये था कि विजुअल आर्ट्स हमारी डिग्री होती है और उसके बाद हम लोगों को ना कुछ मेजर्स होते हैं वो ऑप्ट करने होते हैं, उन मेजर्स में पेंटिंग भी होता है, कैलीग्राफी था, स्कल्पचर था, सेरामिक्स था और भी एक दो मेजर थे। तब मैंने कैलीग्राफी को मेजर चूज़ किया था कि चलो पेंटिंग वगैरह तो करते ही हैं, सब सीख ही लेते हैं, इंटर में भी थोड़ी सी बेस बन जाती है, चलो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ खत ही आ जाएगा, लिखना ही आ जाएगा, राइटिंग बेहतर हो जाएगी। तो फिर उस्ताद इरफान अहमद ख़ान मेरे सर थे, टीचर हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे, उन्होंने मुझे प्रॉपर मतलब ख़त सिखाए, ख़त सुल सिखाया, ख़त नस्तालिक सिखाया, ख़त कुफिक सिखाया। और उसके बाद फिर मैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी सीखी, प्रॉपर आयात लिखना, कुरानिक कंटेंट लिखना सीखा, लफ्ज़ों को जोड़ना सीखा, अराब किस तरह से लगाते हैं, कद क्या होता है, कलम कैसे तराशते हैं, कलम कैसे चलाते हैं, एंगल्स क्या रखते हैं, सारी चीज़ें सर ने हमें सिखाई। उसके बाद फिर मैं थीसिस और थीसिस में सर शिबली मुनीर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने फिर जो है ना वो रिसर्च करवाई मुझे, और उसके बाद फिर मैं इस चीज़ के ऊपर आई जो अभी आपके सामने। इसके अलावा फिर मैंने थोड़ी देर ब्रेक आ गया काम में, एक साल तकरीबन, वैसे मैं ट्रेडिशनल काम कर रही थी तब तक, ऑर्डर्स पे भी काम करती रही, पेंटिंग सेल करती रही। मेरी ना पहली दो पेंटिंग सेल हुई थी इकट्ठी एक एग्जीबिशन में, और वो 15,000 में हुई थी, और उस वक्त मेरी उस पर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि फ्रेमिंग काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, फिर उसमें मैंने गोल्ड लीफ लगाया हुआ था, तो वो मिला जुला के कोई 10-12 हज़ार तकरीबन उसकी जो है ना वो कॉस्ट प्राइस आई होगी दो पेंटिंग्स की। काफ़ी बड़ी थी, कोई 4 फीट की होगी, एक 3-3.5 फीट की मिनिमम। 15,000 में मुझे ऑफ़र आई तो पहले मैंने सोचा नहीं, मैं 15 में, मैंने एक देनी है 15 में, दो नहीं देनी। फिर मैंने सोचा अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो 15 की बात है तो चलो खैर है कुछ नहीं होता। तो तब मेरी वो दो पेंटिंग्स पहले सेल हुई थी जिसकी मुझे खुशी है कि चलो ठीक है। तब फिर ऐसे ऐसे मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए, लोगों ने मुझसे ट्रेडिशनल काम भी करवाया। फिर उसके बाद जब मैंने अपना ये थीसिस डिस्प्ले किया, फिर लोगों को मेरा काम बहुत बहुत पसंद आया, और फिर मैंने मज़ीद काम प्रोड्यूस करने के लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में MPhil में एडमिशन ले लिया, और MPhil में फिर मेरी सुपरवाइज़र, थीसिस सुपरवाइज़र डॉक्टर समीना ज़हीर, उनके साथ ही मैंने मज़ीद रिसर्च की, और फिर हम मैंने जो है ना ये काम प्रोड्यूस किया मज़ीद। इसमें मैंने तवा बनाया और संदूक, चारपाई, टेबल, कुर्सी, बाल्टी
और ये जितनी आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं जो ट्रीज वगैरह, ये मेरा एमफिल का थीसिस का काम था जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। इसके अलावा ट्रेडिशनल काम अभी मैं करती हूँ, लेकिन वो ये है कि थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट जो हूँ मेरी, मुझे लगता है कि मेरी इसी के थ्रू पहचान हो रही है और हो गई है इंशाल्लाह। तो ज़्यादातर काम मैं कैलीग्राम से करती हूँ, कैलीग्राफिक स्कल्पचर्स ही बनाती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई आदत है ऑर्डर ट्रेडिशनल काम का, कोई कुरानिक आयत लिखनी है, कोई दुरूद शरीफ लिखना है, या तो फिर मैं वो अलग से कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ये करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से ही समारा शाहिद के नाम से मेरा पेज है, उधर मैं अपना काम अपलोड करती हूँ, उधर से ही मुझे ऑर्डर्स आते हैं। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी जो यंग आर्टिस्ट हैं मेरी तरह, जो अभी काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं या अभी फील्ड में नए हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि पहले ना कोई भी काम सीखने से पहले, जुमला बनाने से पहले हम उसकी शुरू देखते हैं कहाँ से, वो हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, फिर हम लफ्ज़ बनाते हैं, फिर हम जुमले बनाते हैं। तो आर्ट में भी ऐसे ही होता है, मतलब ये नहीं होगा कि आप एकदम से ही जो है वो बड़े मास्टर क्वालिटी जो है ना वो काम करना शुरू कर दें, मास्टर पीसेस बनाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। शुरू आपको करना पड़ेगा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में पुराने आर्टिस्ट के रेप्लिकाज बनाने पड़े काम के, कोई पेंटिंग्स को रेप्लिकेट करना पड़े, फिर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी ड्राइंग, अपनी लाइन, अपनी पेंसिल क्वालिटी अच्छी करनी होगी, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि जब आपको अपने सारे कामों में कोई एक एलिमेंट कॉमन नज़र आएगा, फिर जो आपको एलिमेंट कॉमन नज़र आएगा इट मीन्स कि वो है आपका असल जो चीज़ है, और फिर आप उस चीज़ को लेकर चलें आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से फिर आपका स्टाइल डिवेलप होगा, और फिर आप जो है ना इंशाल्लाह आपका एक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप होगा, और फिर ही आप जो है ना कामयाब हो सकेंगे। और मेहनत करते रहें, और टाइम के साथ साथ सब कुछ होता है, एकदम से नहीं होगा कि आप सो के उठे जी और आपको कॉल आ गई इंटरव्यू की, ऐसे कुछ नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से काम करें, सुकून से अपना अपलोड करते रहें सोशल मीडिया पे, अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहें, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, नई विन करते नई जीतते कोई मसला नहीं, जस्ट डू समथिंग, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड दे। ग्रुप शोज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं काफ़ी सारे, मज़ीद अभी हो भी रहे हैं ग्रुप शोज़, लेकिन आई विश के मैं सोलो शो करूँ इसी साल, और उसके लिए मैं कुछ काम भी स्टार्ट किया है, कुछ प्लानिंग कर रही हूँ कि जी अच्छा ठीक है चीज़ों को इस तरह लेकर चल रहे हैं, और माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं जिनको इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करूँगी, और इंशाल्लाह इस साल का टारगेट है कि एक सोलो शो ज़रूर करूँ।